हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेसन पर्टिकुलर होने वाला है, इसमें हम इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी लोग सीटेट, यूपीटेट या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बुद्धि से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो गाइस, बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे, बुद्धि के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, बुद्धि लब्धि क्या होती है, मानसिक आयु और जो है सभी इतनी तरह के जो IQ है, टर्मन ने जो IQ दिया था, और बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इन सभी को इस पर्टिकुलर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो अलग वीडियो मेरी आएगी उसमें हम बुद्धि के जो भी सिद्धांत थे, जो थ्योरीज थी इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें। सो लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस के मीनिंग से चलते हैं कि ये इंटेलिजेंस आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम इसका वर्ड देख लेते हैं कि कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो इंटेलिजेंस जो शब्द है वो बेसिकली आया है लैटिन वर्ड, ठीक है। इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो शब्द है, जो इंग्लिश का वर्ड इंटेलिजेंट है, वो हमारे लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है, एंटर और लर्ज। एंटर लर्ज, एंटर का मतलब होता है बहुत में से, लर्ज मतलब चयन करना, यानी कि चूज बिटवीन मैनी मैनी थिंग्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बुद्धि का, अगर हम इसके शब्द की बात करें, कि बहुत में से चयन करने का मतलब ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बहुत सारी चीज़ों के बीच में जो है कोई डिसीजन लेता है, कुछ चयन करता है और अपने आप को एडजस्ट करता है एनवायरमेंट में। ओके, आगे देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। बुद्धि की जो परिभाषा थी वो सबसे पहले बोरिंग ने दी थी, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे बोरिंग। उन्होंने 1923 में सबसे पहली डेफिनेशन बुद्धि इंटेलिजेंस की दी थी। उन्होंने ये कहा था इंटेलिजेंस की परिभाषा में कि बुद्धि परीक्षण वही है जो, मतलब बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। क्या समझ में आया आपको इससे, कि जो बोरिंग ने डेफिनेशन दी थी ना, उसमें उन्होंने ये कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है ना वही हमारी बुद्धि होती है। मान लो कि आपकी बुद्धि मापी गई और आपका बुद्धि जब मापा गया तो आपका जो IQ था वो 100 आया, ठीक है। तो आपका IQ मान लो 100 आया, मेरा IQ 50 आया, ठीक है। IQ आपको पता होगा कि मापा गया, आपका 100 आया, मेरा 50 आया। तो जो परीक्षण ने मापा ना वही बुद्धि है, कि मतलब अगर आपका IQ 100 है तो वही आपकी बुद्धि मानी जाएगी, उसके अलावा कोई आपकी बुद्धि नहीं है। तो बोरिंग ने पहले ये कहा, ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। देखो, जो बोरिंग ने डेफिनेशन दी थी ना, उसमें ये प्रॉब्लम ये थी कि आप सिर्फ IQ के बेसिस पे किसी की इंटेलिजेंस को आप जो है उसको आप कंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस वो नहीं है कि आप जो बुद्धि ने, जो परीक्षणों ने मापा, जो टेस्ट में आपका आया वही है। तो बुद्धि इसके अलावा बहुत कुछ होती है, इसीलिए ये डेफिनेशन जो है वो कुछ अच्छी नहीं लगी। और मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में डिस्कस किया और तीन भागों में बुद्धि को बांटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो तीन कौन कौन से पार्ट्स थे। सो बुद्धि जो थी वो तीन तरह की बुद्धियां मापी गई। पहला क्या था, पहली बुद्धि यह थी कि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता में बुद्धि, दूसरा सीखने की क्षमता में बुद्धि, तीसरा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता में वृद्धि। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो जो एबिलिटी टू एडजस्ट, आप कितने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो रहे हो, पहली वो आपको वो बुद्धि हुई, ठीक है। मान लो आपकी क्षमता है, आप किसी भी वातावरण में आसानी से जो है ढल जाते हो, एडजस्ट हो जाते हो, वो आपकी बुद्धि हुई। दूसरा आया एबिलिटी टू लर्न, आप कितना सीखने की क्षमता रखते हो। तीसरा क्या था, अमूर्त चिंतन, कि आप कितनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, कि मान लो मैंने आपको बोला अभी कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, तो अभी आपके दिमाग में जस्ट एक डायग्राम बन गया होगा कि ABC एक त्रिभुज है। तो आपने अभी सोचा ना, आपने चिंतन किया, तो वो आपका कैसा चिंतन हुआ, अभी अमूर्त हुआ ना, जो चीज़ आपके सामने है ही नहीं आप उसको सोच रहे हो। तो जो व्यक्ति में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है उसकी क्षमता को भी बुद्धि कहा जाता है। तो देखो, ये तीन टाइप में बुद्धि को डिवाइड इन्होंने किया। अब क्या हुआ इसके बाद, अब एक और दोष था इसमें। अब इसमें कमी क्या थी इस तरह के डिविजन में, कि हर श्रेणी में
एक पहलू के आधार पर हम किसी की बुद्धि को परिभाषित नहीं कर सकते। मतलब मैं मतलब मान लो कि मैं कोई मनोवैज्ञानिक हूँ, मैंने बुद्धि को इन तीनों चीजों में कैटेगराइज किया है, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपकी बुद्धि को इसके रूप में ही कर दूँ। मैं ये बोलूँ कि आपके अंदर सीखने की योग्यता है तो आप बुद्धिमान है, और हो सकता है कि आपके अंदर ये वाली योग्यता भी होगी, हो सकता है आपके अंदर अमूर्त चिंतन करने की योग्यता भी होगी, हो सकता है तीनों ही योग्यता किसी व्यक्ति में हो। तो इसीलिए बुद्धि को एक मतलब बुद्धि को ये कहा गया कि बुद्धि जो है वो किसी एक तरह की क्षमता नहीं होती, बुद्धि के अंदर अनेक तरह की जो है मानसिक जनरल एबिलिटी होती है, अनेक तरह की सामान्य क्षमताएं पाई जाती है। ओके, मतलब कि एक कोई क्षमता नहीं है, इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी एबिलिटीज होती हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब गाइस जो ये वाला जो अब आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डेफिनेशंस आती हैं। तो देखो, अभी तक हमने देखा कि बुद्धि जो है हम उसको जरूर एक चीज़ में डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप अमूर्त चिंतन कर रहे हैं और आपके अंदर वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता नहीं है, है ना। हम सबके अंदर कई तरह की क्षमताएँ होती है। तो इसीलिए वैश्लर ने, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1939 में बुद्धि की सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी। ठीक है, उन्होंने एक सब कुछ मिला जुला के एक परिभाषा दी जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई। क्या थी वो परिभाषा, कि बुद्धि जो है एक, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, ठीक है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। क्या समझ आया, कि हमारी जो बुद्धि होती है ना वो समुच्चय होती है, वो एग्रीगेट होती है। ठीक है, समुच्चय का मतलब है कि विभिन्न विभिन्न क्षमताएं, आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर ये क्षमता है, बहुत सारी क्षमताओं का समुच्चय होता है जिसके सहारे हम क्या करते हैं, कोई भी उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से वो समायोजित हो जाता है। ठीक है, बुद्धि को यह कहा गया कि बुद्धि जो है अनेक क्षमताओं का योग है, समुच्चय होता है, एग्रीगेट होता है। आगे देखते हैं, और भी परिभाषाएं दी गई। पहला बंकिंगम ने देखो क्या बोला, कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। बंकिंगम ने बोला कि बुद्धि जिसके अंदर सीखने की योग्यता होगी तो वो क्या है, वो बुद्धिमान माना जाएगा। फिर उसके बाद गाल्टन ने बोला, अब देखो सीखने की योग्यता में ना इन्होंने, गाल्टन ने पहचानने की योग्यता लिख दी, कि भाई अगर बुद्धि क्या है, किसी चीज को पहचानना और सीखने की शक्ति को बुद्धि कहा गया। मैकडुगल ने कहा, मैकडुगल ने बुद्धि को कैसा माना, मैकडुगल ने बुद्धि को जन्मजात माना। मतलब जन्मजात क्यों माना मैकडुगल ने, मैकडुगल ने ये कहा कि बुद्धि जो है हम अपनी हेरिडिटी से लेकर आते हैं, बुद्धि हमें माता पिता के जीन्स, क्रोमोसोम्स के थ्रू, जीन्स के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है, और हमारी ये एक जन्मजात क्षमता होती है जो हम जन्म से लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपका आप जो है जीन्स के थ्रू आप लेकर आए बुद्धि, और आप जिस वातावरण में आया तो आपने अपनी बुद्धि यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कर ली। तो बुद्धि क्या है, कि जो आपको मिल गया हेरिडिटी से वो मिल गया। ठीक है, उसके बाद बिने ने कहा, भाई बिने का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बिने को पढ़ेंगे अच्छे से इसी वीडियो में, कि बिने ने कहा कि ठीक से निर्णय लेना, समझना, तर्क करना बुद्धि के आवश्यक तत्व है। यानी कि जब आप ठीक से निर्णय ले लेते हो कोई चीज को, आप कोई चीज समझ रहे हो, आप लॉजिक लगा रहे हो, कोई चीज पे तर्क कर रहे हो, तो वो आपकी बुद्धि हो गई। ओके, अब आगे देखते हैं। और अच्छा, सो अब हम जो है बुद्धि के प्रकार को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बुद्धि को प्रकार में विभाजित किया गया। छोटा सा है इसको, ठीक है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे मानसिक बुद्धि और सभी तरह की बुद्धियां। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के तीन प्रकार बताए गए। थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि हमारी क्या होती है, वो तीन प्रकार की होती है। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि, तीसरा अमूर्त बुद्धि। तीन तरह की बुद्धि बोली, आपको ये याद रखना है, क्योंकि थॉर्नडाइक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर दिया, बिहेवियरिज्म के माने जाते हैं ये प्रवर्तक, तो इसीलिए आपको इनको याद रखना है। तो सामाजिक बुद्धि कहा, सोशल इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि जिसको हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, और अमूर्त बुद्धि कहा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये। देखिए, जो मूर्त बुद्धि होता है उसको हम यांत्रिक बुद्धि और गायक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि का संबंध जो है वो होता है यंत्रों मशीनों से, यानी कि जो व्यक्ति यंत्र मशीन और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा विशेष उसको इंटरेस्ट होता है, कोई बहुत उसको रुचि होती है, तो उस व्यक्ति में इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि कोई कारीगर हो गया, मैकेनिक, इंजीनियर, कोई उद्योग से रिलेटेड है, कोई इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहा है, यानी कि मशीनों वगैरह से रिलेटेड इंजीनियर्स जो होते हैं वो मशीनों के थ्रू काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों में कैसी बुद्धि पाई जाती है, मूर्त बुद्धि, जो प्रत्यक्ष मशीनों से कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का मतलब है पुस्तकीय ज्ञान, कि आपको कितनी नॉलेज है। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि होती है वो ज्ञान में ज़्यादा रुचि लेता है, जैसे कि वकील, डॉक्टर, दार्शनिक है, कोई फिलोसोफर है, कोई चित्रकार है, कोई साहित्यकार है ना, तो ऐसे लोगों में क्या होती है, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ओके,
अब आते हैं तीसरे तरह की बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बोली कि ये सामाजिक बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि का मतलब है कि जिस व्यक्ति में व्यक्तिगत और सामाजिक जो है परस्पर मिलनसार जो होता है, जो सामाजिक कार्य करता है और जो आपसी संबंधों को जानता है, जो अंतरावैयक्तिक होता है। अंतरावैयक्तिक मीन्स मतलब इंटरपर्सनल जो होता है, जो दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छे से मेलजोल बढ़ा लेता है। जैसे कोई यंत्री है, कोई व्यवसायी हो गया, कोई कूटनीतिक हो गया, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई जैसे आपने देखा होगा नेता है, पॉलिटिशियंस हैं, और इन लोगों में क्या होती है, सबसे ज्यादा इस तरह की बुद्धि, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। मतलब जहां पे लोगों के साथ मिलने जुलने की जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। ओके, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे वर्नन और हैब के अनुसार बुद्धि। वर्नन और हैब ने भी बुद्धि के प्रकार बताए थे। कई बार गाइस ये पेपर में आ चुका है, आपको एक एडिशनल नॉलेज जो है वो रखना जरूरी है। सो इसीलिए आप जरूर इसको देख लें पूरा, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो वर्नन और हैब ने बोला, पहला बोला कि जननी क्षमता के रूप में बुद्धि को उन्होंने जो है क्लासिफाई किया। कैसे किया? मतलब जननी क्षमता मतलब कि जो बुद्धि हमारी वंशगत होती है, जननी क्षमता मतलब जो हमारी बुद्धि हमारे हेरिडिटी से, हमें अपने माता पिता से जो मिलती है। ठीक है, तो वर्नन ने बोला पहली बुद्धि क्या कि एक होती है जननी क्षमता के रूप में, उसको वर्नन ने बोला, और हैब ने इसी बुद्धि को बुद्धि ए बोला, यानी इंटेलिजेंस ए बोला। मतलब और ये बुद्धि का क्या टाइप होता है? जीनोटाइप होता है। ठीक है, बुद्धि का जीनोटाइप क्या होता है? जो बुद्धि हमारी जननी क्षमता के रूप में होती है, वर्नन ने जननी क्षमता कहा और हैब ने इंटेलिजेंस ए कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति के अंदर बुद्धि को क्या माना गया है? एक वंशानुगत मतलब गुण माना गया है कि बुद्धि हमारी हेरिडिटी से होती है। एक बुद्धि तो ये हो गई जननी क्षमता के रूप में। अगली बुद्धि पे चलते हैं। दूसरी जो बुद्धि आती है वो आती है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, यानी कि एज ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। इस अर्थ में बुद्धि क्या हुआ कि बुद्धि, इस अर्थ में व्यक्ति की बुद्धि वो होती है जो एक तो उसको उसके जीन्स से, उसके वंशानुक्रम से मिली, दूसरा उसके वातावरण से मिली। यानी कि जब हमारी बुद्धि हमें अपने अनुवांशिकता से, हमारे अनुवांशिकता से, हमारे माता पिता से, हमें जीन्स के थ्रू मिलती है, और जब हम जन्म के बाद जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में हम क्रिया करते हैं, उनकी अंतःक्रिया के कारण इस तरह की बुद्धि हमारे अंदर होती है। ठीक है, इसे हैब ने क्या कहा? वर्नन ने कहा प्रेक्षित व्यवहार के रूप में, और हैब ने कहा बुद्धि बी, यानी इंटेलिजेंस बी। और बुद्धि का ये कौन सा टाइप है? फिनोटाइपिक प्रकार है। ओके, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे चलते हैं। ओके, तीसरी तरह की बुद्धि बोला वर्नन ने, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में वृद्धि। यानी कि बुद्धि क्या है कि इसकी क्रियात्मक परिभाषा दी गई कि बुद्धि वही है जो परीक्षण मापता है। ठीक है, इसको हैब ने बोला बुद्धि सी, यानी कि इंटेलिजेंस ए होता है हमारा जननी क्षमता के रूप में, हमारी अनुवांशिकता से जो हमें बुद्धि मिली। इंटेलिजेंस बी होता है जो हमारे वातावरण और अनुवांशिकता दोनों के परिणाम स्वरूप होती है। और तीसरी हमारी बुद्धि सी होती है जो टेस्ट के बेसिस पे होती है कि भाई जितनी आपकी बुद्धि, जितना आप टेस्ट ने मापा उतनी आपकी बुद्धि हुई, तो इसको कहा गया इंटेलिजेंस सी। तो आपको ये लर्न रखना है। ओके, और इससे पहले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जान लेते हैं कि बोरिंग ने 1923 में सबसे पहली बुद्धि की फॉर्मल डेफिनेशन दी थी, औपचारिक परिभाषा दी थी। तो आपको ये लर्न रखना है कि फॉर्मल सबसे पहली औपचारिक बुद्धि की परिभाषा किसने दी थी, ये आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है। तो किसने दी थी? बोरिंग ने दी थी, 1923 में दी थी, और उन्होंने ये कहा कि बुद्धि वही है जो परीक्षण मापता है। आपके परीक्षण में जितने मार्क्स आए, आपके आपका आईक्यू जितना आया, वही आपकी क्या हो गई? बुद्धि हो गई। ओके, आगे देखते हैं। तो गाइज अगला आता है हमारा बुद्धि मापन। बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ गया कि बुद्धि का मापन। अब हमने बुद्धि के बारे में जाना, बुद्धि के प्रकारों के बारे में जाना, अब हम ये देखेंगे कि ये बुद्धि का मापन हम किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो बुद्धि की माप किसके द्वारा होती है? सबसे पहले बुद्धि की माप होती है, हमारे बुद्धि का जो जितना भी मेजरमेंट है वो होता है हमारा बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ठीक है, और बुद्धि के मापन द्वारा हम यह जानते हैं, यह पता लगाया जाता है कि एक व्यक्ति में बुद्धि का लेवल क्या है, आपका लेवल कितना है, आप कितना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ड्रेवर की एक डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं कि बुद्धि परीक्षण किसी प्रकार की समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि आप किसी व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण माप रहे हो, तो आप उसके सामने कोई एक समस्या दोगे और जिसके द्वारा उसके मानसिक विकास के स्तर का पता लगाया जाता है कि उसका स्तर कितना है, वो कितना कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था, बुद्धि परीक्षण की बात करें तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में बिने और साइमन ने मिलकर बनाया था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो वो 1905 में बिने और साइमन ने मिलकर के बनाया था। अब ये इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं।
सो गाइज बिने साइमन परीक्षण देख लेते हैं। निर्माण किया था बिने साइमन ने, भाषा फ्रेंच भाषा में इन्होंने इस परीक्षण का निर्माण किया था। सो गाइज आप इसको जरूर से जरूर मेरे आप नोट्स में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कॉपी पे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाषा क्या है, फ्रेंच भाषा में इन्होंने किया था, 1905 में किया था। कौन सा प्रकार था ये बुद्धि का, तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, मतलब कि व्यक्तिगत एक व्यक्ति के ऊपर किया जाने वाला परीक्षण था ये। और इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया, ठीक है। यानी कि बुद्धि को किस रूप में मापा जाता था, मानसिक आयु, यहाँ पे आया ना मानसिक आयु, इसके रूप में मापा जाता था। और आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि इसका जो पहला संशोधन था, यानी कि इसको रिवाइज किया गया, इसको रिवाइज किया गया, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, वो किया गया था 1908 में। बहुत बार आया है यहाँ पे ये क्वेश्चन कि पहला संशोधन बुद्धि परीक्षण का कब किया गया था, पहला संशोधन 1908 में किया गया था। 1911 में जो ये बिने साइमन परीक्षण था, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था, अमेरिका में गोडार्ड ने किया था। तो आपको ये लर्न रखने, ये कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको एज इट इज याद करने हैं। तो गोडार्ड ने इसका अनुवाद किया था इंग्लिश में, ओके, 1911 में किया था। उसके बाद आगे देखते हैं कि मानसिक रूप से मंदित बालकों की बुद्धि मापने में बहुत ज़्यादा इस परीक्षण का यूज़ किया गया था। तो बिने साइमन परीक्षण का यूज़ किस लिए किया गया था, कि जो मानसिक रूप से मेंटली डिप्रेस्ड जो बालक थे उनकी बुद्धि के बारे में मापने के लिए यूज़ किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस परीक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रिवाइज किया गया, एक तो किया गया था भाई 1908 में, ठीक है। दूसरा जो संशोधन किया गया था वो 1916 में किया गया था, और वो किसने किया था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन ने किया था। बहुत बहुत ही ज़्यादा सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्मन ने 1916 में इसी परीक्षण का महत्वपूर्ण संशोधन किया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, और इसीलिए इसे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्मन ने स्टैनफोर्ड में किया था। और उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये टर्मन ने इसको रिवाइज किया था, तो पहली बार इस परीक्षण द्वारा बुद्धि की माप आईक्यू के रूप में किया गया। तो देखो आईक्यू के रूप में पहले नहीं किया गया था, अभी तक मानसिक बुद्धि चल रहा था। अब जब टर्मन ने 1916 में जब टर्मन ने संशोधन किया था, तो बुद्धि की माप किस रूप में की जाने लगी, आईक्यू के रूप में की जाने लगी। बुद्धि परीक्षण तब आया, तो टर्मन लेकर आए थे बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बुद्धि आईक्यू का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, टर्मन लेके आए थे। और इसमें कुल क्या थे, 90 प्रश्न थे जिनको 1000 बच्चों पे किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का एक सूत्र बताया, ठीक है। टर्मन ने दिया था कि जो आईक्यू हमारी होती है, जो बुद्धि लब्धि होती है, वो होती है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, तैथिक आयु वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें बुद्धि लब्धि होती है आईक्यू, एमए का मतलब है मानसिक आयु, जो आपकी मानसिक आयु है मतलब आप कितना कर सकते हो, और सी ए मतलब वास्तविक आयु आपकी। देखो वास्तविक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु जितनी आपकी एज है, मान लो अभी प्रेजेंट टाइम पे आपकी एज जितनी भी है, 20 है, 25 है, 30 है, जो भी आपकी एज है, वो आपकी वास्तविक आयु यानी कि जो आपके जन्म से आयु है। मानसिक आयु क्या होती है गाइस, मानसिक आयु वो होती है जैसे मान लो एक बच्चा है वो है 10 साल का, उसकी जो एज है, उसकी रियल जो एज है मतलब उसकी जो वास्तविक आयु है वो 10 साल है, लेकिन वो अभी मान लो 10 साल का है और वो जो है काम कर रहा है, अभी 10 साल के बच्चों जितना वो काम नहीं कर पाता, वो जो अपने कार्य हैं उसकी जो बुद्धि है वो अभी 8 साल के लेवल की है, यानी कि उसको अगर कोई सवाल दिया जा रहा है तो जो 8 साल का बच्चा करता है, जो मान लो कि जो बच्चा 6 साल 7 साल का काम करता है वो 10 साल का बच्चा कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हुई, 6 साल। कि भाई मानसिक आयु का मतलब है कि वो कितना कितने लेवल पे कर रहा है, ठीक है। मान लो एक 10 साल का बच्चा है, जैसे आपने वो कोई मिल गया मूवी देखी होगी जिसमें वो ऋतिक रोशन होता है, वो क्या करता है ऋतिक रोशन, कि भाई एज तो उसकी कम होती है लेकिन वो काम कितने करता है, बड़े बड़े काम कर, बड़े लोगों वाले लेवल के, मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चंस भी वो चुटकियों में सॉल्व कर देता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या हुई, ज्यादा हुई, है ना। मानसिक आयु ये है कि आपका लेवल क्या है, आप कितने लेवल से कार्य कर रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं मानसिक आयु के बारे में। देखो मानसिक आयु, सबसे पहले मानसिक आयु का कंसेप्ट बिने ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रख ले। और मानसिक आयु क्या है, कि यह व्यक्ति की वह सीमा है जो उसके कार्य द्वारा जानी जाती है, मतलब आप जिस लेवल में हो, आप क्या कार्य कर रहे हो। मान लो कि उदाहरण के, अगर मैं उदाहरण बोलूं कि एक बालक की मानसिक आयु 9 वर्ष है और वह परीक्षा में 9 वर्ष की आयु के बालकों के समान ही कार्य करता है, तो वो 9 वर्ष की आयु का कहलाएगा, ठीक है। मान लो एक बच्चा है वो 9 वर्ष का है और वो जितने साल का है वो उतने साल के अकॉर्डिंग सही से काम कर ले रहा है, तो उसकी मानसिक आयु भी क्या हुई, 9 वर्ष हुई। मान लो एक बच्चा है वो 9 वर्ष का है
लेकिन वो सवाल मतलब मान लो 15 साल के बच्चे के जितना, जो बच्चा 15 साल का जिस क्लास में है उस क्लास के अकॉर्डिंग वो सवाल को कर ले रहा है, यानी कि वो जीनियस हुआ, तो उसकी मानसिक आयु क्या हुई, 15 वर्ष हुई। तो ये है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक आयु। वास्तविक आयु यानी कि जो आपके जन्म से लेकर के आज तक का समय है, आपकी तैथिक आयु भी इसको कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। मतलब आपको जन्म लिया अगर 20 साल हो गए तो वो आपकी क्या हुई, वास्तविक आयु हुई। वास्तविक आयु का सूत्र यही है भाई, आप अगर बुद्धि लब्धि का सूत्र याद कर लेंगे तो आपको वास्तविक आयु निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। वास्तविक आयु क्या होती है, मानसिक आयु बटे में आप इसके नीचे क्या कर दोगे, बुद्धि लब्धि लगा के और 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो आईक्यू के बारे में जान लेते हैं कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय 1916 में बिने साइमन परीक्षण के संशोधन के दौरान हुआ था, ठीक है। तो बिने साइमन संशोधन जब 1916 में टर्मन ने किया था तभी उन्होंने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। इससे पहले बुद्धि का मापन किस में होता था गाइस, वो होता था मानसिक आयु में, आपके मेंटल एज के रूप में किया जाता था, लेकिन जब बाद में टर्मन ने इसमें संशोधन किया तो वो आईक्यू के रूप में होने लगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विलियम स्टर्न ने 1912 में ही सुझाव दिया था कि आईक्यू को लाया जाए, आईक्यू के कॉन्सेप्ट को लाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सुझाव 1912 में स्टर्न ने दे दिया था, उसके बाद टर्मन ने 1916 में ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए थे। ओके, अब देखते हैं। अब गाइस जो ये अगला है इसमें है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण किया था, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो देख लेते हैं आगे। तो टर्मन ने क्या किया था, बहुत से व्यक्तियों पे 90 क्वेश्चंस उनके पास थे, 1000 बच्चों पे उन्होंने अपना परीक्षण किया और उन्होंने बुद्धि मतलब समूहों में विभाजित किया, व्यक्तिगत भेदों के अनुसार उन्होंने आईक्यू को अलग अलग डिवाइड किया हर बच्चे को कि किसकी कितनी आईक्यू है। ओके, और क्या इससे हेल्प हुआ, व्यक्तिगत भेदों को जानने का हेल्प हुआ कि कौन बच्चा कैसा है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, टर्मन ने जो किया था बुद्धि लब्धि का वो देख लेते हैं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो रेड से मैंने मार्क किए हैं ये आपको याद ही याद रखने हैं, कई बार ये पूछा गया है एज इट इज तो आपको लर्न करना है। बुद्धि लब्धि दिया है और बुद्धिमत्ता का स्तर दिया है। सबसे पहले आता है 140, यानी कि जिसका जो बुद्धि है वो 140 से ऊपर है वो बच्चा कहलाएगा गिफ्टेड या जीनियस। तो आपको याद रखना है कि 140 बुद्धि वाले बच्चा कैसा होता है, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको उसमें से चूज करना होता है। तो कैसा होता है वो बच्चा, प्रतिभाशाली होता है। उसके बाद 120 से 140 प्रखर बुद्धि, वेरी सुपीरियर, या मतलब आपको अगर प्रखर बुद्धि पूछा जाए तो 120 से 140 होगा। 110 से 120 के बच्चे जो होते हैं वो होते हैं औसत से अधिक, ठीक है, यानी कि अबव एवरेज है, ठीक है, औसत से अधिक होंगे। उसके बाद आता है 90 से 110 बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि 90 से 110 का जो बुद्धि लब्धि जिसकी होती है वो कैसा होता है बच्चा, तो वो होता है नॉर्मल या एवरेज, सामान्य या औसत बुद्धि का बच्चा कितना होता है जिसकी आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होती है। उसके बाद आता है 75 से 90, वो होता है सीमा पर, मतलब कि ये बॉर्डर लाइन पर है कि भाई बॉर्डर लाइनें खींच दी गई, सीमा पर है ये बच्चे, यानी 75 से 90 के बीच में, यानी कि इससे ऊपर थोड़े अच्छे माने जाएंगे, इससे कम जो है वो जो है उनका लेवल कम होता जाएगा। तो जो 75 और 90 के रूप में होते हैं ना वो एक डल बच्चे होते हैं या बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि भाई अगर इनको आप कुछ सिखाओगे, इनको आप अच्छी ट्रेनिंग दोगे तो ये बच्चा अच्छा कर सकता है, तो ये सीमा पर है, ठीक है। उसके बाद आता है 50 से 75, जो मूर्ख में आते हैं, मोरोन्स जिसको कहते हैं, ठीक है, मूर्ख में आएंगे। उसके बाद 25 से 50 के बीच में मूढ़ होते हैं, और सबसे जो लोएस्ट हुआ वो 25 से कम होता है, जिसको हम जड़ बुद्धि या इडियट या महामूर्ख का कहते हैं। तो ये जो है क्लासिफिकेशन टर्मन ने किया था अलग अलग बुद्धियों पे। सो आपको ये लर्न रखने हैं कि कौन सी बुद्धि, कौन आईक्यू, किसका आईक्यू कितना होता है, बुद्धि लब्धि जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये सभी चीज़ें बुद्धि के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम जो है आगे की जो वीडियो होंगी उसमें मैं आपको बुद्धि के जितनी भी थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं वो, और बुद्धि परीक्षण जो है, जो टेस्ट है, उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।